अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। आज जो टॉपिक है अपना, हमारा गांव राज्यवाड़ी, जो डिस्ट्रिक्ट रायगढ़ तालुका महाड़ में आता है, ग्राम पंचायत वाले को एक बात बोलूँगा मैं। जो प्रोफाइल है ना, जो हमारी गांव की जो प्रोफाइल जो बनाए तुमने ग्राम पंचायत की, अभी तक हमारे गांव की पॉपुलेशन उतनी नहीं है। 1997 कुछ लिखे आप लोग, उतनी नहीं है। एक बार सर्वे कराओ और गांव की जो करेक्ट पॉपुलेशन है वो अपडेट कराओ, और बहुत सारे चीज़ें हैं उसमें अपडेट कराने के लिए जो तुम करा सकते वो कराओ। जैसे ग्राम पंचायत के ऑफिशियली ईमेल एड्रेस, ऑफिशियली कॉन्टेक्ट नंबर्स, जो भी है वो अपडेट करा दो। और एक चीज़ मैं भी लेके आया हूँ जो है ग्राम पंचायत के रिलेटेड। जैसे ग्राम पंचायत राज्यवाड़ी, तालुका महाड़, डिस्ट्रिक्ट रायगढ़, हम लोग के गांव में अभी लोगों को, मतलब बहुत सारे लोग हैं जिनको मालूम नहीं है फंड कितना आता है, क्या क्या काम तुम अपडेट किए हो साइट पे, क्या नहीं किए हो, तो लोगों को मालूम नहीं है। अब जैसे 2019 टू 2020, 2020 टू 21, 21 टू 22, मैं खाली ये 3 साल का ही मैं निकाला हूँ, मेरे पास पूरा है, लेकिन ये 3 साल के ऊपर ही मैं बात करूँगा इंशाल्लाह। 3 साल पे बात ऐसा करना है, जैसे अभी जो तुमने जो ये आर्ट शाला कुछ बनाया है, आर्ट शाला, तो ये आर्ट शाला एक्चुअली है कहाँ पे, जिस पे तुमने खर्चा किए है 1,42,030 रुपया, ये आर्ट शाला है किधर, जो तुम लोग ही अपडेट किए। जैसे एक बात बोलूँगा, अभी 2019 से 20 में तुमने 10 काम अपडेट किए वहाँ पे, कि हम लोग 10 काम गांव में किए हैं, जिसकी टोटल वैल्यू भी बताए तुम लोग 14,89,919, वो 10 काम की। उसके बाद 20 और 21 में तुमने 16 काम बताए, जिसकी वैल्यू है 20,91,176। और 20 और 21 और 22 में तुमने 4 ही काम किए, जिसकी तुमने बताए 4,04,36,1980। मतलब तुमने जो गांव में जो 3 साल का ही मैंने निकाला, मेरे पास तो पूरा रिकॉर्ड आ गया अल्हम्दुलिल्लाह, स्टार्ट से एंड तक क्या काम किए, फंड तो कितना आता है वो मैं भी, मेरे पास है वो भी, मैं निकाला हूँ फंड कितना आता है क्या आता है। ओके, लेकिन ये जो है ना, ये नॉर्मली जैसे 10 काम जो है तुमने किए क्या नहीं किए, गाँव वालों को भी मालूम होना चाहिए ना। और 16 काम 2020 में, 21 में 4 काम। तो मेरा क्वेश्चन ऐसा है कि जैसे अभी ऑफिशियली ईमेल एड्रेस है जिसमें तुमने अपडेट किए हो, तो ये आर्ट शाला, बराबर, आर्ट गैलरी इंग्लिश में बोलेंगे उसको, शाला, तो ये 1,42,030 रुपये का काम कौन से आर्ट शाला के लिए तुम लोग किए? मेरे हिसाब से तो है या नहीं है वो तो मालूम नहीं है, अगर नहीं है तो आपने अपडेट किए तो आपको करवाना पड़ेगा। दूसरा, जिम बनाना, जिम कहाँ पे गांव में, कौन सा लोकेशन तो बताओ कि वहाँ पे जिम तुमने खोले चालू है, जिस पे तुमने 5 लाख रुपए का खर्चा किए। और उर्दू जो स्कूल में है फिल्टर लगाए तुमने 25,000 रुपए का ग्राम पंचायत के पैसे से, वैसे तुमने शौचालय गांव में कहाँ बनाए जिस पे तुमने 97,98,780 रुपीज खर्चा किए। और ये बस स्टैंड का जो मेंटेनेंस है उसमें भी तुमने 98,781 तुमने ये किए खर्चा किए। और एक तो डाउट, बहुत बड़ा डाउट है, रोड मेंटेनेंस। 2019 में भी आपने 1 लाख रुपए का रोड मेंटेनेंस किए, कौन से एरिया में किए? 2020 में भी 1 लाख रुपए का मेंटेनेंस किए, कौन से एरिया में किए? 2021 में भी मेंटेनेंस कर रहे गाँव का रोड का 1 लाख रुपये का, कहाँ से आप कर रहे, कैसा कर रहे, क्या कर रहे मालूम नहीं है मेरे को।
और ये सब चीज़ है ना, सबका हिसाब आपको बताना पड़ेगा पब्लिक को, क्योंकि पब्लिक को अभी हर चीज़ जो भी है मेरे पास 19, 20, 21 के सब एक्सेल शीट है, तुम लोग ने ही अपडेट किए कि ये काम हम लोग गांव में किए, तो वही ऑफिशियली मेरे पास आए, तो उसको ही मैं हर गांव में हर एक लोगों तक पहुंचाऊंगा और सबको वो एक्सेल शीट में दूंगा। हर नागरिक, हर गांव में रहने वाला, उसका हक बनता है कि तुमको पूछना कि ये तो काम तुमने अपडेट किए तो ये हुए क्यों नहीं, अगर नहीं हुए तो कब होने वाले, वो हमको बताना पड़ेगा तुमको। उसके बाद तुमने एलईडी लाइट में 86,198 बता रहे, 2019 में एलईडी लाइट लगाए थे, 2020 में लगाए, 21 में लगाए, तीनों साल में तुमने मेंटेनेंस में रखे उसको एलईडी लाइट को। उसके बाद काजी मोहल्ले में कहाँ पे तुमने वो सूर्या काजी का घर किधर डाले, उसमें तुमने लिखे सूर्या काजी के घर के पास रोड बनाए 2 लाख रुपए का, वो कौन सा रोड है, कितना रोड है, क्या है उसका भी अपडेट। उसके बाद बच्चे लोग के लिए तुमने क्रिकेट और हॉलीबॉल, ये कौन सी एरिया में जहाँ पे तुमने 50,000 रुपये इन्वेस्ट किए बच्चे लोग के लिए, जो बोले यंग बच्चों के लिए, यंग स्टार के लिए तुमने किए, जो क्रिकेट और हॉलीबॉल के लिए 50,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट कहाँ किए, कब किए। और जो गरीब औरतें हैं जिनके लिए तुमने बोले 70,000 रुपये की हम लोग मशीन दिलाए, 70,000 रुपीज़ के मशीन दिलाए तुमने, तो ये मशीन कौन से लेडीज़ के पास है गांव में, और किस किस को तुमने दिलाए वो मशीन, उनके नाम, उनके लिस्ट, कब दिए थे, कब रिसीव किए थे, तो वो दिए उसके बाद उन लोगों को कुछ बेनिफिट है क्या है, वो सब मेरे को चाहिए। हम लोग को मतलब मेरे को नहीं, पूरे गांव वाले पूछेंगे इंशाल्लाह, सबको लिस्ट जाएंगी, सब हम लोग ग्राम पंचायत से पूछेंगे और हमको इसका हिसाब चाहिए बाद में। और हैंडीकैप, जैसे हैंडीकैप गांव में है, अपंग लोग हैं, उनके लिए कुछ तुमने बोले, कुछ हम लोग ये खोले हैं कुछ क्लासेस वगैरह, तो उसके लिए 50,000 खर्चा हुआ, तो वो कौन सी एरिया में खोले हैं, कब खोले हैं और क्या है उसका स्टेटस, वो भी बताओ हम लोग को। और एक तो इतना बड़ा डाउट है मेरे को, ग्राम पंचायत में ऑफिस में, ग्राम पंचायत ऑफिस में तुमने फर्नीचर 1,34,000 का तुमने फर्नीचर लिखे हो, 1,34,000 रुपीज़ का फर्नीचर ग्राम पंचायत में, मेरे हिसाब से एक टेबल और एक 10-12 कुर्सी रहेंगी, ये 1,50,000 रुपये का फर्नीचर कहाँ पे ग्राम पंचायत में, आप ही अपडेट किए हो, मैंने नहीं अपडेट किया हूँ, आप ही ने अपडेट किया हो ग्राम पंचायत के लोगों ने। उसके बाद ग्राम पंचायत का जो ऑफिस का मेंटेनेंस 50,000, ये भी आपने ही अपडेट किए, मैंने नहीं अपडेट किया हूँ, आपने ही किए, तो ये। उसके बाद आपटे में जो लाइन जा रही है, छोटा सा पाइप है भाई, मैं भी एक अच्छी कंपनी में काम किया हूँ, मेरे को भी मालूम है पाइप की क्या कॉस्ट रहेंगी, कितना मीटर लगेगा, क्या लगेगा, आई नो वेरी वेल, कितना छोटा पाइप है देखा मैंने, 3 लाख का प्रोजेक्ट है वो, दिस इज़ नॉट फेयर मैन, मतलब 3 लाख रुपए का प्रोजेक्ट दिखा है तुम लोग। उसके बाद तुम्हारी जो टाकी है उसका मेंटेनेंस, उसके बाद MIDC से तुमने कुछ ये किया उसका भी दो, ये तो मैं नॉर्मल जो भी मेरे को लगा वो मैंने ये किया हूँ, ऐसे तुमने 20-30 काम किए टोटल, 30 साल, 3 साल में 30 काम, तो 3 साल में तुमने जो काम किए ना, तो तीनों साल के काम खाली 30 काम है, उसमें से अभी तो दिखने में तो कोई काम नहीं आ रहा है जो तुमने किए होंगे, जैसे अभी आप टेक जो लाइन डाल रहे वो तो दिख रहा है, लेकिन 3 लाख का प्रोजेक्ट नहीं है, तो उसके ऊपर भी बात है। और ये सब, ये जो तुमने जो डाले हो आप एक बार चेक करो, और जो भी काम नहीं किए हो काम करके दो दो गांव वाले लोग को। और बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, जैसे पानी का प्रॉब्लम, इतनी बड़ी बड़ा गांव है तो पानी का प्रॉब्लम, भाई पानी का प्रॉब्लम सॉल्व कर दो, सॉल्व कर दो, क्योंकि ये कैसा है मालूम है, ये अपने सबको प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं है। और मेरी एक बात मैं क्लियर करूँगा ना, मेरी किसी से पर्सनल दुश्मनी है ना, मैं किसी पर्सनल से कर रहा हूँ, बस जो गलत है सो गलत है, उसके लिए मैं लड़ता रहूँगा और उसके लिए मैं खड़ा रहूँगा, और उसके लिए मैं कानून से जो भी कार्रवाई है वो करूँगा। ये जो काम तुम लोग ने अपडेट किए वन वन एक टाइम तुम लोग देखो और उसको अपडेट करा दो, और बहुत ज़रूरी है वो सब काम होना गांव में,
ऐसा नहीं कि तुम बोलेंगे कि हम लोग अपडेट कर दिए तो लोगों को मालूम नहीं, मेरे पास पूरा है। मैं जो करूँगा ना, मैं जब से पैदा हुआ ना तब से मैं निकालूँगा इंशाल्लाह, और मेरे पास है वो सब चीज़। फंड कितना आता है, तुम यूज़ किस में करते हो, ये सब, ये जो तुमने लिखे हो, तो रोड का मेंटेनेंस हर साल नहीं होता है। जैसे ये जो लिख के दिए हो तुमने मेंटेनेंस, और वो जो फर्नीचर ग्राम पंचायत में 1.5 लाख का, देर इज़ नो यूज़, समझे। जो भी है हर चीज़ का हिसाब दो, हर चीज़ का काम करा दो, जो भी है। जैसे अभी लाइट के जो प्रॉब्लम्स है, लाइट की भी प्रॉब्लम है, ज़्यादा बारिश लगने के बाद अपने इधर बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। बाद में जो अपने जो बहुत पुराने, जो शायद मैं पैदा होने से पहले के है वो, तो उस पर भी जो भी है तुमको हर चीज़ हमको करना करके देना पड़ेगा। और पहले जो तुम जो पॉपुलेशन रखे हो 1,997 कुछ है पॉपुलेशन, उतनी गांव में नहीं है, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, वो आपको चेंज कराना पड़ेगा, सर्वे कराना पड़ेगा। और वो चेंज करो, प्रोफाइल पहले अपडेट करो, और ऑफिशियली ग्राम पंचायत की ईमेल आईडी बनना चाहिए, ना ही खाली पर्सनल ईमेल आईडी। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड जो मैं बोल रहा हूँ, आप लोग समझो जो भी बोल रहा हूँ, समझे, क्योंकि ये ज़रूरी है। ऑफिशियल ईमेल एड्रेस हमारे पास नहीं है, ऑफिशियल ग्राम पंचायत का ऑफिशियल ईमेल आईडी चाहिए, ऑफिशियली नंबर चाहिए। पर्सनल नंबर पे ना कोई कॉन्टेक्ट होंगे ना कोई ईमेल, क्योंकि आपका ईमेल एड्रेस है, आपका पर्सनल है वो, जो भी बनाया मैं देखा, मेरे पास सब है, प्रोफाइल भी है ग्राम पंचायत के, जो भी तुमने अपलोड किए, जो भी तुम काम अपलोड किए हो, कॉस्टिंग के साथ अप्रूव्ड हुआ है नहीं हुआ है, स्टेटस क्या है, सब है मेरे पास। तो इसके लिए जो भी आप लोग ने अपलोड किए हो ना, प्लीज़ उसको आप पूरा करो, क्योंकि ये काम मैंने अपडेट नहीं किया हूँ ना किसी गाँव वाले ने, ये ग्राम पंचायत वालों लोग ने अपडेट किए। जो भी है काम करा दो, अच्छी बात है कि अपन एक ही गांव में रहने वाले हैं, अपने को सब काम होएंगे तो और अच्छा है अपने लिए, सही है ना भाई, वही है, काम करा दो, अच्छी बात है। 3 ही साल का मेरे पास, मेरे पास रिकॉर्ड पूरा है अल्हम्दुलिल्लाह, 3 साल का मैंने निकाला हूँ, ताकि गाँव वालों को मालूम पड़े कि ये काम है, ये काम नहीं हुए। और एक मेन टॉपिक जो मैंने बोला नहीं, सॉरी, बचतगढ़। अभी बचतगढ़, अभी गांव में शायद बहुत सारे लोग रहेंगे जिनको मालूम नहीं रहेगा बचतगढ़ में क्या होता है। एक तो मेल फीमेल का बनता है, नहीं तो एक तो फीमेल का बनता है, जिसमें 11 मेंबर 7 मेंबर अपना हिसाब से रहते हैं। लेकिन ये जो तुमने बचतगढ़ का जो बताया है 33,898, तो ये बचतगढ़ है कहाँ, इसमें मेंबर कौन है, ये जो मेंबर है इसमें कैसा, एक तो विधवा औरत चाहिए जिसको, नहीं तो एक कोई ऐसी जिसको ज़रूरी है, फाइनेंशियली क्राइसिस है उसके घर में, उसको ज़रूरी है तो उसको काम दिलाना, तो इसके बेनिफिट उसको क्या मिल रहे हैं, और कौन कौन मेंबर है बचतगढ़ में, उसके क्या फ़ायदा है उन लोग को, उससे ग्राम पंचायत को क्या फ़ायदा है, वो सब चेक करना पड़ेगा अपने को। और वो भी हम लोग को अपडेट कराओ ये बचतगढ़ का। बचतगढ़ में अगर कुछ भी हेल्प लगेंगी तो इंशाल्लाह अपन करेंगे पूरा, मेंबर पूरे, और कितने बचत घर बनाए, एक बनाए, दो बनाए, तीन बनाए, चार बनाए, पांच बनाए, कौन से मोहल्ले में, किस किस के पास है, कितने मेंबर है, भी चाहिए उसमें कैसा है, अपने को बहुत सारे बेनिफिट्स है बचत घर से। लेकिन वो तुम लोग तो दिखा है, लेकिन मेरे को लगता नहीं गाँव में बचत घर है। बचत घर रहेगा तो उसके लिए मेंबर्स कितने हैं, कौन कौन मेंबर है, वो भी अपडेट करा दो। जो भी आप लोगों ने जो अपडेट किए वहाँ पे ऑफिशियल आईडीज पे, जो भी गवर्नमेंट के आईडीज के, हम लोग ये काम किए हैं। जैसे गांव 2019 में तुमने बताया 14,89,919 का काम किए हो, 15 लाख का पकड़ लो। उसके बाद तुमने 20 में बताया 21 लाख का काम किए हो, उसके बाद तुमने 21 में बताया 4.5 लाख रुपए का काम किए हो। तो ये सब जो लिखे हो तुम लोग ही लिखे हो, तुम लोग ही अपडेट किए हो, तो प्लीज़ उसको आप पूरा करो जो काम है वो। अगर आप लोग नहीं पूरा करेंगे, अगर आप लोग नहीं पूरा करेंगे तो उसके ऊपर ऑफिशियली कार्रवाई कराऊंगा मैं, 110% बोल रहा हूँ मैं आपको। अगर आप लोग ने पूरा नहीं किए वो सब काम जितना अपडेट किए हो, उसके ऊपर ऑफिशियली कार्रवाई होगी। और हाँ, दूसरी बात, जो आपको फंड आता है कितना आता है वो भी मालूम है, तो प्लीज़ गांव की हेल्प करो, और गांव सुधारो, गांव को अच्छा बनाओ, अच्छी बात है। अगर आप लोग अच्छे से करेंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर कानून है भाई, कानून सबके लिए है, समझे। तो वो सब करने मत करो, जो भी अपडेट किए ना कर दो भाई लोग काम,
और नहीं तो फिर मैं ऑफिशियली कार्रवाई ले लूँगा, ऑफिशियली कार्रवाई ले लूँगा मैं उसके ऊपर। ना कोई ये है ना कुछ है, ऑफिशियली जो भी है जैसा मैं ये सब निकाल सकता हूँ, इतनी डिटेल निकाल सकता हूँ, तो मेरे को ऑफिशियली कार्रवाई लेने के लिए भी देर इज़ नॉट बिग टास्क फॉर मी, मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ कर सकते हैं सब गांव वाले, बहुत सारे लोग अल्हम्दुलिल्लाह जो भी मेरे को फ़ोन किए, जो भी प्रॉब्लम थी बताए, लेकिन मेरे को बहुत अच्छा लगा क्योंकि गांव के बहुत सारे यंग स्टार भी, रहने दो चाहे थोड़े पुराने लोग भी है, चाहे बहुत सारे बच्चे लोग जगह जगह से फ़ोन करे, सब ने मेरे को ये किया, लेकिन बहुत अच्छे अच्छा है और मेरे को बहुत अच्छा लगा कि गांव के लोग मेरे साथ में है खड़े, और मैं जो भी है सच्चाई के साथ हूँ, जिसके साथ भी अन्याय होता है उसके लिए मैं खड़ा रहूँगा खड़ा रहूँगा, ये मेरा वादा है, और ज़िंदगी भर जब तक जिंदा हूँ इंशाल्लाह खड़ा रहूँगा आप लोगों के साथ। और ग्राम पंचायत के लोग तो सुनते होंगे देखते होंगे, नहीं तो कैसा भी वीडियो पहुँचेगा उन लोग के पास, तो प्लीज़ वीडियो देखो और प्लीज़ काम कराओ। गांव में बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, इतना बड़ा गांव है, अपने पास एटीएम नहीं है, अपने पास गवर्नमेंट हॉस्पिटल है लेकिन हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है, बहुत सारे है प्रॉब्लम, वन बाय वन करेंगे इंशाल्लाह, सब मिलके करेंगे, हो भी जाएंगे इंशाल्लाह ताला, ऐसा नहीं कि कोई चीज़ पॉसिबल नहीं है, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, हम लोग सब करेंगे। लेकिन आप लोग जो कर रहे हो ना वो मत करो, सफाई का ध्यान रखो, सफाई करो, जो भी सिचुएशन है जो भी है, देखो हम लोग को किसी से जाती दुश्मनी नहीं है, ना मेरा कोई पर्सनल दुश्मन है, जो भी है गांव वाले के लिए कर रहे हैं हम लोग और गांव वाले के लिए करते रहेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पीछे बहुत सारे बच्चे लोग अपने गांव के हैं जो बोलते हैं भाई तुमने बहुत अच्छी आवाज़ उठाई, जो भी गलत करेगा उसके अगेंस्ट हम लोग जाएंगे, जो भी रहेगा कोई भी है, अभी नहीं हो गया अभी तो मामा नहीं है, चाचा नहीं है, कोई भी रिश्तेदारी नहीं है, सब बोलते थे रिश्तेदार है, वो सब बंद हो गया अभी अब। और एक हर आदमी को राइट है, हर आदमी को कि तुम क्वेश्चन कर सकते हो, हर आदमी को पूछने का हक है, कोई ऐसा नहीं बोल सकता तेरी शादी हुई वो डायलॉग पुराना था, तेरी उम्र कितनी है वो डायलॉग पुराना था, वो डायलॉग मत करो, दे हैव राइट, और वो पूछने का पूरा हक रखता है कि तुमने ये काम किए क्यों नहीं, समझे जो मैं बोल रहा हूँ। जिम जिम को 5 लाख रुपए खर्चा हो तो जिम तो चालू चाहिए ना भाई, बच्चे लोग के लिए जो भी दिखा है ना भाई तुम लोग वो काम करो बस, बाकी कुछ नहीं है, बाकी कुछ रहेगा मैं आपको अपडेट करूँगा। और प्लीज़ एज सुन एज पॉसिबल ये जो भी आपने अपडेट किए हो 3 साल से, जो भी काम किए हैं नहीं किए हो जो भी कराने प्लीज़ करा दो, मैं तो आपके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई कायदे में होएंगी इंशाल्लाह ताला, इंशाल्लाह ताला जो भी है। चलो बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। ऑनलाइन कौन है, इमरान भाई, हनीफ, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।